राजा राम के अयोध्या में बने भव्य मंदिर में विराजने के उत्सव का सिलसिला जारी है। हर दिन को उत्सव की तरह मनाया जा रहा है। राम मंदिर के गर्भगृह की नई तस्वीरें सामने आई हैं, जिसमें प्राण प्रतिष्ठा से पहले गर्भगृह में पूजा कर उस आसन को सिद्ध किया गया, जहां प्रभु रामलला 22 जनवरी को विराजेंगे। गर्भगृह में निर्मोही अखाड़ा के महंत देनेन्द्र दास और पुजारी सुनील दास के साथ ही श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्यों ने पूजा और आरती की। टुडे ओनली वर्ल्ड पीस, इंडिविजुअल पीस, हाउस पीस, सोसाइटी पीस, वर्ल्ड पीस। द वर्ल्ड पीस प्रार्थना राम 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 मंत्र, दैट इज अ लव, प्रेम ईश्वर है, प्रेम ईश्वर है, दैट्स राम मंत्र। श्री राम चंद्र जय राम चंद्र, श्री राम चंद्र जय राम चंद्र, रघुवीर रणधीर रघुकुल रामा, रघुवीर रणधीर रघुकुल रामा। गर्भगृह में पूजा की तस्वीरें श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट ने जारी की है। मंदिर की सीढ़ी, सिंह द्वार और परकोटे के मुख्य द्वार का काम पूरा हुआ। राम मंदिर के ज्यादा हिस्से को साफ किया गया। तो वो शुभ घड़ी अब आ गई है, 22 तारीख आ चुकी है और अब भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होनी है। आज गर्भगृह में विराजमान हो गए, तो बहुत ही अद्भुत संयोग है। जगतगुरु धराचार्य जी, आपसे मैं जानना चाहूंगा कि कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि जो भगवान का स्थान तावाना होकर मंदिर 3 किलोमीटर की दूरी पर बनाया जा रहा है, इस तरह की जब आवाजें उठती हैं तो क्या कहने को मन होता है आपका? गीता में भगवान कहते न बुद्धि भेदम जनये दज्ञानाम कर्म संगिनाम, जो यथार्थ बात है, सत्य है, उसमें जिम्मेदार लोगों को भ्रम नहीं उत्पन्न करना चाहिए। ऐसे भ्रम की बातें फैला करके उससे लोगों को कष्ट होता है। जहाँ पर राम जी का प्राकट्य हुआ था, जन्म हुआ था, उसी स्थान पर नीचे से ऊपर तक हम लोग तो प्रारंभ से देखे, वहीं पर भगवान का दिव्य भव्य मंदिर निर्माण हो रहा है।